नमस्कार दोस्तों, टेक्नी एंड डाउट चैनल में मैं वैभव आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप अपना आधार कार्ड को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका आधार कार्ड आपको डाउनलोड करना है तो आप मोबाइल से किस तरह से कर सकते हो, और या अगर आप पीसी से करना है तो भी सेम ही प्रोसेस है। तो दोनों प्रोसेस में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि अगर आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना है, तो जब भी आप आधार कार्ड अपडेट करते हैं तो आपको लेटेस्ट वाला आधार कार्ड डाउनलोड करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक के थ्रू आप आपके ब्राउज़र में आ जाएंगे। तो उस लिंक के थ्रू ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है आप आधार नंबर से डाउनलोड कर सकते हो, या आप एनरोलमेंट आईडी अगर आपके पास रहेगा तो उससे डाउनलोड कर सकते हो, या आपके पास वर्चुअल आईडी रहेगा तो उससे डाउनलोड कर सकते हो। तो आज हम लोग यहाँ पे आधार नंबर से डाउनलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, आपका आधार नंबर डालना है 12 डिजिट का, उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर दिख रहा है, इसे वो इंटर कर देना है। तो मैं पहले यहाँ पर मेरा आधार कार्ड इंटर करता हूँ, और उसके बाद आपको कैप्चर फिल करने के बाद आपको सेंड ओटीपी के ऊपर प्रेस कर देना है, तो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर के एक ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी आपको इंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पे मेरा आधार नंबर इंटर कर देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने मेरा आधार कार्ड को इंटर कर दिया है, और उसके साथ साथ मैंने कैप्चर भी फिलअप किया है। अभी मैं सेंड ओटीपी के ऊपर प्रेस कर देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही आप सेंड ओटीपी के ऊपर प्रेस करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर के साथ एक ओटीपी आएगा, जो कि आपने आधार कार्ड के साथ लिंक किया है। तो आप देख सकते हो, मुझे तुरंत ही एक ओटीपी आ चुका है, तो उस ओटीपी को मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जो मुझे ओटीपी आया है वो 10 मिनट तक वैलिड रहेगा। तो आप भी आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी आएगा वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। तो मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया है, और आपको कुछ यहाँ पे सर्वेस भी आपको फिलअप करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर आपको आधार कार्ड का रीप्रिंट चाहिए, ओरिजिनल रीप्रिंट चाहिए, तो आप यस टाइप कीजिए। अगर पहले से आपके पास अवेलेबल है तो आप नो टाइप कीजिए, तो मुझे कोई ज़रूरी नहीं है अभी रीप्रिंट का। उसके अलावा आपको कितना दिन में आधार चाहिए, नया वाला आधार, वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तो मुझे ऑर्डर नहीं करना है फिलहाल, तो मैं नॉट ऑर्डर के ऊपर प्रेस कर दूंगा। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको यू एन डाउनलोड में आपको प्रेस कर देना है। उससे पहले जो पीडीएफ डाउनलोड होगी उसका पासवर्ड क्या रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जो आपका नाम है वो आपके नाम का पहले 4 डिजिट रहेंगे, वो आपका पासवर्ड रहेगा, और आपको आपका जो बर्थ ईयर है वो आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कैपिटल में आपको आपके नाम का 4 वर्ड्स डालना है, और आपको यहाँ पे आपका बर्थ ईयर डालना है। तो मैं यहाँ पे उससे पहले डाउनलोड करता हूँ, इस आधार को वेरीफाई एंड डाउनलोड के ऊपर प्रेस करना है। तो मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया है। इस पर प्रेस करने के बाद देखते हैं कि डाउनलोड होता है कैसा आधार कार्ड। तो आप देख सकते हो, मेरा यहाँ पे आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है और अभी खुलेगा। तो आप देख सकते हो, जो मेरा पासवर्ड है वो मैं इंटर कर देता हूँ, आपको भी आपका पासवर्ड इंटर कर देना है। तो आप देख सकते हो, मैंने मेरा पासवर्ड इंटर किया। जो पासवर्ड रहेगा वो आपका आपका जो पहला नाम है उसका 4 वर्ड्स रहेंगे, और आपका बर्थ ईयर रहेगा। तो आप देख सकते हो, मैंने जैसे ही पासवर्ड इंटर किया, मेरा आधार कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो आप भी अपना आधार कार्ड इस तरह से डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है। आप मोबाइल से भी कर सकते हो, आप या आपने पीसी से भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आपका आधार कार्ड आप मोबाइल और आपके कंप्यूटर से किस तरह डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा, और भी आपको कुछ इशू लगता है आधार कार्ड डाउनलोड करने में तो आप कमेंट से मुझे लिख के आप जरूर बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।